हेलो डिजाइनर्स, वेलकम टू द मिनी केयर। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ऑर्डिनर इन म्यूजिशियन मोड। आज का वीडियो भी मैं हिंदी में बनाना चाहूंगा ताकि ये कंटेंट बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे और पहले हम देख लेंगे हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले हम सीखेंगे व्हाट इज ऑर्डिनर सिस्टम, ऑर्डिनर सिस्टम क्या है और हिस्ट्री ऑफ ऑर्डिनर सिस्टम, ऑर्डिनर सिस्टम कहाँ से पहला जन्म लिया और उसका ग्रोथ कैसा हुआ अब तक। टाइप्स ऑफ ऑर्डिनर सिस्टम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन। रिक्वायरमेंट इन मोड फॉर ऑर्डिनर, ऑर्डिनर हीटर कैलकुलेशन। कुछ दिन से मेरा माइक और कंप्यूटर का कनेक्शन कुछ नॉन फंक्शन हो रहा है, मेरा वॉइस क्लियरली नहीं आ रहा है, तो अगर मेरा वॉइस में कुछ दिक्कत है तो माफी चाहूंगा। तो इटली भी वीडियो आगे बढ़ाते हुए, व्हाट इज ऑर्डिनर, ऑर्डिनर डिजाइन्स आर सिस्टम बाय विच द रनर इज केप्ट एट अ एलिवेटेड टेम्परेचर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब यही है, ऑर्डिनर डिजाइन वो डिजाइन है जो रनर को एक खास टेम्परेचर में मोल्ड के अंदर बनाए रखता है, उसको ठंडा होने नहीं देता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनर। इसका बहुत अलग अलग डेफिनेशन है तो मैं सिंपलेस्ट वन को यहाँ पे चूज किया था। और ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डिनर मोड, हम जो अभी यूज कर रहे हैं ये इवॉल्व्ड है, यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारा तरक्की किया है, मगर फर्स्ट जो 1965 में जब इसको पहला पेटेंट किया था हेनरिक जविस्टोविस्की के नाम पे, ये पोलैंड के रहने वाला है, अभी भी ये पेटेंट इनके नाम पे ही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डिनर डिजाइन है जो पेटेंट किया गया है। ओके, तो 1965 में ये इजाज हुआ। उसके बाद में 1973 में जब दुनिया भर में ऑयल का कुछ क्राइसिस चल रहा था तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बूम होना चाहता था, क्योंकि ड्यू टू ऑयल क्राइसिस उसके बाद में सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत आगे दौड़ना था, तो उन्होंने सब कॉस्ट कटिंग, वेस्टेज कटिंग सब करने लगे थे। तब ये जो सिस्टम इन्होंने इन्वेंट किया था 1965 में, इसको यूज किया। अभी ये ग्राफ यहाँ पे बताता है 1994 में यूएसए और यूरोप के अंदर लगभग बिलो 22% ही ऑर्डिनर को यूज करते थे पहले 1994 में। 2000 में जब ये ग्राफ लिया गया तब देखा जाएगा 26% यूएसए में, लगभग 35% यूरोप में इसका इस्तेमाल होने लगा। अभी के लिए मैं ऐसा कहना चाहूंगा एवरी एक मोड, तीन मोड में एक मोड अभी ऑर्डिनर बन रहा है। तो ऑर्डिनर जो सिस्टम है बहुत इवॉल्व हुआ है, बहुत एप्लीकेशन उसका ज्यादा बढ़ गया है ड्यू टू उसका एडवांटेजेस। ओके, तो ऑर्डिनर सिस्टम के अंदर उसके डिविजन है बहुत सारा, मेनली मेल्ट सप्लाई मेथड और हीटिंग मेथड। तो ऑर्डिनर टेक्नोलॉजी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेल्ट सप्लाई मेथड और हीटिंग मेथड। तो मेल्ट सप्लाई मेथड में डायरेक्ट मेल्ट सप्लाई है, जो मेल्ट यानी जो हमारा मटेरियल जो है मेल्ट, सुमेल्ट बोलते हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा आर्टिकल के साथ, नहीं तो मैनिफोल्ड के साथ इनडायरेक्टली कनेक्ट रहेगा आर्टिकल का इम्प्रेशन के साथ, इसको बोलते हैं डायरेक्ट गेटिंग और इनडायरेक्ट गेटिंग। इसके अंदर तीन फेसेस है, फ्रंट फेस है, साइड में है, टू कॉर्नर। तो इसका लोकेशन के हिसाब से कुछ इसका डिविजन किया है, सब डिविजन किया गया मेल्ट सप्लाई मेथड में, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में, और सब डिविजन किया गया। ओके, वो हीटिंग मेथड के अंदर मैनिफोल्ड और नॉजल, उसका हीटिंग मेथड के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन, इसके अंदर एक्सटर्नल हीटिंग, इंटरनल हीटिंग, नो हीटिंग यानी इंसुलेशन रनर और हीटिंग बाय कन्वेक्शन। ओके, हम आगे बढ़ेंगे और सब जानेंगे एक एक करके। पहला है हमारा मेल्ट सप्लाई मेथड के अंदर डायरेक्ट हीटिंग। तो डायरेक्ट हीटिंग के अंदर पांच डिविजन यानी पांच क्लासिफिकेशन है। पहला है फ्रंट, यानी यहाँ पे आप देख सकते पहला वाला है यहाँ पे फ्रंट फेस के अंदर इसको टच हुआ है डायरेक्ट गेट, गेटिंग इसका डायरेक्टली फ्रंट फेस पे। ओके, और बी साइड इन मल्टी कैविटी मोड, तो बी यहाँ पे है। ओके, सेम वही है, वही डायरेक्ट गेट का है, मगर यहाँ पे दो कैविटी है, यहाँ पे इसका आउट लिया है मल्ट का, यहाँ पे आउट लिया गया। ओके, सी और डी है टू अ कोड रनर, सी में और डी में एक कोड रनर को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे कोड रनर है, इसको यहाँ तक कॉटन है, इसके बाद ये कोड रनर है, जहां हम लास्ट हमारा वीडियोस में देखा था और टाइप्स ऑफ रनर में, इसके अंदर भी यही मेंशन था, यही चीज मेंशन था, उसके अंदर जो हाइब्रिड हम यूज करते हैं रनर वो यहाँ पे बताया गया है। ओके, ये जो दोनों है ये सिंगल की थी, सी और डी है वो सिंगल कैविटी के लिए, और यहाँ पे ई में आप देख सकते हैं यही हाइब्रिड जो है वो मल्टी कैविटी के लिए है, यहाँ पे दो कैविटी के लिए यूज किया गया है वाया
सबमरीनेट। ओके हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार देखेगा ये सिंगल आर गेटिंग जो है, कुछ इस प्रकार देखेगा, आप शायद देखे होंगे आप कंपनीज के अंदर। और हम आ गए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट गेटिंग में। अभी हम सीखे डायरेक्ट गेटिंग में, इनडायरेक्ट गेटिंग के अंदर पहला है फ्रंट। इसमें यहाँ पे भी फ्रंट ही, क्योंकि जो जो अपर फेस के अंदर जहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिस्टम को बिठाया जाता है उसको फ्रंट टाइप ही बोलते हैं। और यहाँ पे मल्टी पार्ट है, तब हम देखा था सिंगल पार्ट, अभी हम देख रहे हैं मल्टी पार्ट। दो जगह पे, एक ही पार्ट के अंदर हम दो जगह पे हॉट ड्रॉप लिए हुए, इसको बोलते हैं फ्रंट मल्टी पार्ट इन सिंगल कैविटी। ओके तो बी बी के अंदर यहाँ पे भी मल्टी ड्रॉप है यानी मल्टी कनेक्शन है, मगर ये मल्टी कैविटी मोड है। ओके तो सी है साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में नहीं है, ये वो आर्टिकल का फ्रंट के अंदर ही कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है साइड साइड पे। तो ये भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट गेटिंग का सिस्टम है। तो डी में अंदर, डी के अंदर फ्रंट है इन स्टैक मोड, तो ये फ्रंट ही है मगर इसका जो मोड का जो तरीका टाइप है वो स्टैक मोड। स्टैक मोड के बारे में बताऊंगा, कुछ पिक्चर मैंने लेके रखा है आपके लिए। और ई है टू कोड रनर इन सिंगल कैविटी मोड, ये साइड का साइड गेटिंग का ही है मगर ये सिंगल कैविटी के अंदर है लिया गया है, ये साइड के अंदर ही ड्रॉप है, ड्रॉप इसका साइड में है मगर वो सिंगल कैविटी के लिए। और एफ के अंदर कोड रनर मल्टी कैविटी के लिए, यहाँ पे भी हाइब्रिड है, मल्टी ड्रॉप है मगर मल्टी कैविटी के लिए। ओके और हम आगे बढ़ते हुए मल्टी पॉइंट का मोड कुछ इस प्रकार देखिएगा। ओके इनडायरेक्ट मेल्ट मल्टी गेट पे, मल्टी पॉइंट पे। ओके और मल्टीपल गेट नॉजल्स कुछ इस प्रकार दिखेगा। सिंगल कैविटी के अंदर अगर मल्टीपल पॉइंट लेना है तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अभी हम आ गए स्टैक मोड, अभी बताया मैंने स्टैक मोड क्या है। अगर किसको पता नहीं है स्टैक मोड क्या है, स्टैक मोड में ये रहता है आपका दो कैविटीज रहता है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए मूविंग हॉप में भी कैविटी रहेगा और फिक्स हॉप में भी कैविटी रहेगा, जो बीच में जहां पे स्ट्रिपर अगर कहीं पे अगर फ्लोटिंग एक प्लेन रहेगा उसको स्ट्रिपर प्लेन बोला जाएगा, वो उसका वही कोर है, उसके अंदर ही स्टैक मोल्ड का मैनिफोल्ड रहेगा पूरा, और वो दोनों बाजू मेल्ट सप्लाई करेगा, वो फिक्स हॉप में भी सप्लाई करेगा और वो मूविंग हॉप में भी सप्लाई करेगा, इसको बोलते हैं स्टैक मोल्ड। और अभी तो क्यूब मोल्ड भी आ गया है, अभी फ्यूचरिस्टिक वही है, आपका नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी हम जो बनाते हैं टू प्लेट मोल्ड, थ्री प्लेट मोल्ड, फोर ड्रम मोल्ड, तो ये सब भी अभी पीछे जमाने में जाने वाला है। अभी फ्यूचरिस्टिक है क्यूब टाइप मोल्ड, क्यूब के अंदर जो चार फेसेस होता है, चार फेस के अंदर एक एक कोर होता है, तो दोनों बाजू स्टैक मोल्ड की जैसे रहता है, मगर स्टैक मोल्ड में यहाँ पे बताया फ्लोटिंग के अंदर एक ही प्लेट रहेगा जो मूव नहीं करेगा, मगर क्यूब मोल्ड में जो सेंटर वाला जो प्लेट है वो रोटेट करेगा, वो रोटरी मोशन के अंदर रहेगा, उसके थ्रू ही सभी कोर्स इजेक्शन और फिटिंग का काम करेगा। तो फ्यूचरिस्टिक क्या, अगर किसी को पता नहीं है गूगल करके देख लीजिए क्यूब टाइप का मोड क्या है, तो ये फ्यूचरिस्टिक है आपको नॉलेज के लिए जान के रखिए। ओके तो नेक्स्ट बढ़ेंगे हीटिंग मेथड। अभी हमने कंप्लीट किया फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम, अभी हम आ गए हैं सेकेंड कैटेगरी में। ये सेकेंड कैटेगरी है हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल बहुत सारा टाइप्स है, तो मैं क्विकली मैं कंप्लीट करूंगा क्योंकि इसका पूरी टेक्निकली हमको जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा ही इसको बाय करेंगे, तो स्पेसिफिकेशन जान के रखना बहुत जरूरी है अगर आपको ऑर्डर करना है या कुछ भी करना है इसके लिए। तो पहला मेथड है विथ इंटरनल हीटिंग। तो इंटरनल हीटिंग का यहाँ पे बीच में जो एक नंबर दिख रहा है ये टॉर्पिडो है, तो यहाँ ये हीटिंग कंडीशन में रहेगा, इसके आसपास में मेल्ट फ्लो करेगा और आपका पार्ट हीट करेगा। ओके और बी एक्सटर्नल हीटिंग। एक्सटर्नल हीटिंग के अंदर यहाँ पे अगर आपको राउंड राउंड छोटा छोटा दिख रहा है बबल्स, ये बबल्स नहीं हो हीटर है, क्रॉस सेक्शन के अंदर दिख रहा है ऐसा, तो वो आपका एक्सटर्नली हीट करेगा आपका नोजल को और आपका मेल्ट को गर्म रखने की भी मदद करेगा। ओके और इसका कुछ इंसुलेशन का प्लेट और वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके तो हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड था रनरलेस और इंसुलेटेड रनर। तो मैंने यह पहला जो इंसुलेशन मोल्ड है यहाँ पे मैनिफोल्ड के जगह पे मैनिफोल्ड रहेगा नहीं, सिर्फ वहां पे चैनल मिल किया रहेगा और इंसुलेशन का यूज किया रहेगा, उसको बोलते हैं इंसुलेटेड मोड। और इसका
मेल्ट का और मैनिफोल्ड के अंदर का जो मटेरियल रहेगा उसका रेशियो कुछ हाई रहेगा ताकि वो सॉलिडिफाई ना हो, और जितना मटेरियल इस मैनिफोल्ड का एरिया में रहेगा वो सब इंसुलेटेड रहेगा, उसका थर्मल कंडक्शन कुछ रहेगा नहीं बाहर का प्लेट के साथ में, तो इस प्रकार ये काम करेगा इंसुलेटेड प्लेट, इंसुलेटेड मोड। मैं तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक इसका, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी जब भी मैं जानकारी ज़्यादा लूँगा आपको उसके साथ शेयर करूँगा। और मैंने एक्सपीरियंस किया है बॉर नोजल और एंटी चैम्बर नोजल्स, तो ये दोनों कुछ हद तक सेम है, और ये दोनों कैसा है इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है क्योंकि ये क्विकली काम करने वाला है और उसका पार्ट का जो वेट है वो उसका कुछ लिमिटेशन है, लगभग कुछ 20 ग्राम्स का ही पार्ट इसका बना सकते हैं। इसके अंदर ना ही हीटर का यूज किया रहेगा ना ही कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक का सोर्स यूज किया रहेगा, ये सिंपल मैकेनिकली नोजल को डिजाइन ऐसा किया जाता है ताकि पार्ट फिल होने के बाद जो नोजल के जो स्क्रू के अंदर जो मटेरियल बचता है वो सॉलिडिफाई नहीं होता है, उसका साइकिल टाइमिंग इतना कम रहता है, वो सॉलिडिफाई होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। इसके लिए 20 ग्राम का ही पार्ट लिया जाता है ताकि कुछ 5-6 सेकेंड के अंदर ही एक साइकिल खत्म हो जाए और जो स्क्रू के अंदर जो मटेरियल बचा रहेगा वो सॉलिडिफाई ना हो, तो ऐसा टेक्निक यूज करते हैं। ज्यादातर नीट्स के अंदर ये यूज करता है, जो ढक्कन जो रहता है छोटा रहता है, और कैप्स भी आप यूज कर सकते हैं अगर सिंगल कैविटी या मल्टी कैविटी, सिंगल कैविटी का ही ज्यादातर यूज करते हैं, मल्टी कैविटी में यूज नहीं करते हैं, पर सिंगल कैविटी का अगर कोई कैप बना रहे हैं आप ट्राई कर रहे हैं छोटा मोटे तो आप इसका यूज कर सकते हैं, आपका डिगेटिंग करने का इसके अंदर बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगा, आपका जो रनर है वो आएगा ही नहीं, सिर्फ वहां पे छोटा सा डिम्पल निकल के आएगा, तो उसको बोलते बार नोजल का और एंटी चैम्बर का मोड्स। ओके, तो हम आगे बढ़ते हुए ऑर्डर सिस्टम के अंदर जो गेट्स है, गेट के अंदर कुछ टाइप्स है, चार टाइप्स है, सर्कुलर गेट, रिंग गेट, साइड एज गेट, वॉल गेट, तो उसके बारे में थोड़ा जब जान लेंगे। ये चार टाइप का गेट्स है, आप अगर आप नोजल लेंगे तो उसको चार प्रकार का आप देख सकते हैं नोजल्स को, तो सर्कुलर गेट तो ज्यादातर यूज करेंगे तो नॉर्मली ज्यादा जब सब जगह पर यूज करते हैं, और इसके अंदर ये कंस्ट्रक्शन क्या है, ये पार्ट जो आउटर एरिया है ये इंसुलेटेड रहेगा यहाँ पे, और इसका हाइट का कुछ कंस्ट्रेंट रहेगा, अगर आपका जो डायमीटर आप लेंगे उसका दो गुना ही आप हाइट ले सकते हैं, उसके ऊपर लेना उसका हेल्थ के लिए खराब रहेगा, इसके लिए आपका कैविटी का जो इसके पीछे का जो मटेरियल का हाइट है वो उसके हिसाब से लेना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड का साइज ही आता है आपको देखा जाए तो उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। और रिंग गेट कुछ हद तक सर्कुलर गेट जितना जैसा ही है, बस ये यहाँ पे जो सॉलिडिफाई ना हो उसके लिए यहाँ पे एक शेप दिया रहेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल हीट रहेगा, तो ये आपको गेट को फ्रीज होने नहीं देगा। और साइड एज गेट वही है जो साइड से अगर हम फिट करना चाहते हैं तो तब ये गेट का यूज करेंगे, मैं कभी यूज नहीं किया है साइड एज गेट को। और वॉल गेट शट ऑफ वॉल, अब जो बोलते हैं मैकेनिकल शट ऑफ रहेगा, न्यूमेटिक का शट ऑफ रहेगा, शट ऑफ वॉल जो ये डोलिंग जहाँ पे डोलिंग का इश्यू रहेगा वहां पे वॉल गेट का यूज किया रहेगा, और जहाँ पे हमको वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग करना है, वॉल्यूमेट्रिकली आपको फिल करना है तो आप इसको प्रोग्राम करके आपका वॉल शट ऑफ वॉल को पीएलसी के साथ आपको कनेक्ट करके टाइम बेसिस आपको वॉल को बंद या क्लोज कर सकते हैं, तो इसका एडवांटेज यही है वॉल गेट का। तो इंडी भी नहीं जाएंगे हम, बोर्ड थोड़ा ऊपर से जानेंगे नॉलेज के लिए। ओके, तो नॉट रिकमेंडेड करेक्ट, ये सब गेट का पोजिशन है, आपका जो वॉल रखने का पोजिशन है ये सभी, और जो करेक्ट नहीं है जो सही है यहाँ पे बताया गया है। तो हम ऑर्डर सिस्टम का एडवांटेज डिसएडवांटेज ज्यादातर सबको पता ही है, मगर इसके अंदर मैं कुछ खास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लेके आया हूँ। सेविंग्स इन मटेरियल फॉर रनर कॉस्ट फॉर रिग्रेड, तो हम इसके अंदर रनर नहीं आता है तो एडवांटेज यही है उनको रिग्रेड करने का कॉस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपका रनर ही नहीं निकलता इसके अंदर। और शॉर्टर साइकिल टाइम फॉर रिमोल्डिंग रिमोल्डिंग रनर सिस्टम इज ऑमिटेड, कूलिंग इज नॉट डिटरमाइंड बाय स्लो फ्रीजिंग, नो रनर ब्रेक ऑफ, लगभग ये बता रहा है कि कूलिंग टाइम इसके अंदर क्या है, हमारा कूलिंग रनर में कूलिंग रनर और गेट को कूल करने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है और इसके अंदर उसका जरूरत ही नहीं क्योंकि हम रनर और गेट को हम ठंडा होने ही नहीं ले रहे, तो ये सब आपको कूलिंग टाइम के अंदर बहुत फायदा करने वाला है। स्मॉलर मशीन्स आर एडिक्वेट, रनर सिस्टम डज नॉट क्रिएट रिएक्टिव फोर्सेस, शॉर्ट साइज रिड्यूस्ड, ज्यादा नहीं पड़ूंगा। अभी क्या है इसके अंदर लगभग हम फिलिंग का प्रेशर, फिलिंग जो प्रेशर है वो लगभग बच जाएगा हॉट एंड रिमोल्ड के अंदर,
क्योंकि उतना हम रनर को ज्यादा रनर का टाइम ज्यादा लेने का यहाँ पे फ्रीडम रहेगा, इसके लिए हमको बैक करेक्शन या रिलेटिव फोर्सेस का अफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इसके लिए छोटा मशीन भी रहेगा जिसमें इजेक्शन प्रेशर का कम रहेगा तो भी हम हॉट रनर इसके अंदर डाल के चला सकते हैं। ओके, शॉर्ट साइज इज रिड्यूस द वॉल्यूम फॉर रनर, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट साइज क्या है, रनर के अंदर जितना अगर 10-15 ग्राम बच रहा है रनर के अंदर, वो पार्ट के अंदर जा नहीं रहा है, इसके लिए आपका शॉर्ट साइज का रिडक्शन है। शॉर्ट साइज का अगर 40 ग्राम का शॉर्ट साइज रहेगा तो हो गया 30 ग्राम का, तो 10 ग्राम का आपका रनर का बच रहा है, तो आप शॉर्ट साइज कम हो गया तो आप छोटा मशीन में भी इसको चला सकते हैं। तो उसका कहने का मतलब यही है, तो फिलिंग लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज आप कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट साइज आपका कम हो गया है। और थ्री प्लेट में अगर मल्टी डिले रहेगा तो आपका प्लेट टू प्लेटन टू प्लेट ओपनिंग ज्यादा बढ़ जाएगा थ्री प्लेट में। अगर आप हॉट रनर यूज करेगा जिसके यहाँ जरूरत ही नहीं है दूसरा डिले का, अगर जो मल्टी डिले मोड के अंदर दो डिले हो रहा था तो दो डिले यहाँ पे नहीं रहेगा, तो आपका ओपनिंग का मिल जाएगा आपको फ्रीडम। और आप अगर डीप का कैविटी डीप आर्टिकल भी इसके अंदर चला सकते क्योंकि आपका स्टोर ज्यादा मिलता है इसके अंदर। मोल्ड मेकिंग हैज रिसोर्स टू मोर स्टैंडर्ड्स। अभी आपका रनर के अंदर कुछ फंक्शनलिटी कुछ चेंजेस करना है, आपको दूसरा स्टैंडर्ड मिल जाएगा उसके रिप्लेसमेंट के अंदर, तो आप स्टैंडर्ड हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ भी खराबी है तो आप रिप्लेस करने में आपको आसानी रहेगा। और इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज इसके अंदर क्या है, अभी तो मैं बताया एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, मोर रिजेक्ट एटलीस्ट ड्यूरिंग द स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप के अंदर प्रोसेस के अंदर हीटर टाइमिंग आने तक कुछ रिजेक्शन जाएगा और उसका मोल्ड का प्री टेम्परेचर आने तक कुछ रिजेक्शन चलेगा इसके अंदर, तो वो सभी रिजेक्शन एज अ डिसएडवांटेज कंसिडर किया जाता है। मोल्ड वर्क इन मोल्ड डिजाइन, हाँ बीइंग अ मोल्ड डिजाइनर अगर हॉट रनर का मोल्ड आएगा तो थोड़ा हेडेक रहेगा आदमी को, क्योंकि हॉट रनर डिजाइन कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और कॉस्ट बहुत रहेगा, कोई भी हॉट रनर डिजाइन 3 लाख के नीचे कोई आता नहीं है। अगर उसका मल्टी ड्रॉप का इनडायरेक्ट रहेगा तो कम से कम 3 लाख तो जाता ही जाता है, तो ये सब चीज देखेगा तो मोल्ड डिजाइनर थोड़ा ऑब्जर्व करके केयर लेके काम करता है, तो मोल्ड डिजाइन के अंदर भी टाइम बढ़ जाता है, सप्लायर्स को ढूंढना का कोटेशन लेना वो सब मोल्ड डिजाइन का चला जाता है। हायर मोल्ड कॉस्ट फॉर इंस्टॉलेशन, मोल्ड डिबगिंग सच एज लीक और फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स, इसका मतलब यही है हमारा मेंटेनेंस का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारा डिबग्स आता है इसके अंदर, अगर फेल हो गया लीक हो गया कुछ सीटिंग में नहीं है बोल्टिंग का कुछ फेल हो रहा है थर्मल एक्सपांशन इसके अंदर रहता है तो इसके अंदर इसकी वजह से लीक का कुछ खतरा रहता है और हीटिंग एलिमेंट फेल होने का भी खतरा रहता है। ये सब डीबगिंग करेंगे मतलब इसका रिसॉल्व करेंगे मेंटेनेंस में तो इसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो ये सब चीज डिसएडवांटेजेस है। हजार्ड ऑफ थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ सेंसिटिव मटेरियल्स बिकॉज ऑफ लॉन्ग फ्लो पाथ एंड हाई शेयर वेलोसिटी, इसका मतलब लगभग यही है हमारा जो मटेरियल सेंसिटिव रहता है जिसका थर्मल सेंसिटिव रहता है कुछ मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल्स बहुत देर तक हम मैनिफोल्ड के अंदर रखेंगे उसका डिग्रेडेशन यहाँ से जैसे कि फूड ग्रेड कुछ रहता है उसका इतना टेम्परेचर के अंदर इतना ही उसका एमएफआई में निकालने का एक कंसिडरेशन रहता है, उसका अगर थर्मल डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाएगा ज्यादा टाइम घटने की वजह से तो ये सब चीज शेयर वेलोसिटी का और उसका लॉन्ग फ्लो का ये सब उसका अफेक्ट पड़ता है डिग्रेडेशन के ऊपर। लिमिटेशंस क्या है ऑर्डर A certain amount of experience is required to avoid gate shrinking, stingering or rolling of some plastic from nozzle. Rolling control करना, stingering control करना, ये सबका experience के ऊपर depend करता है। अगर नया बंदा कोई आएगा वो rolling कम खत्म करना उसको उतना बहुत तकलीफ होगा, उसको इतना आसान नहीं पड़ेगा, तो some sort of experience is must required to handle hot runner mode. Color change in hot runner is difficult. तो कलर चेंज का जब बात आएगा मेरे खुद के एक्सपीरियंस से हॉट रनर मोल्ड के अंदर कलर चेंज का बहुत डिफिकल्ट रहता है। कुछ मेरा सीनियर्स ने कुछ एडवाइस किया था कुछ वास्कल यूज करना है तो मुझे भी उसके बारे में कुछ नया इन्वेंशन है कुछ वास्कल यूज करते कलर चेंज के लिए तो मुझे भी उतना उसका नॉलेज नहीं है। अगर जब भी मैं उसका नया इन्वेंशन के बारे में मैं पूरा जान लूंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा जरूर। कुछ नया मोल्ड कैविटी का जो पिचेस है वो हमेशा लगभग छोटा रहता है, वन कैविटी टू अनदर कैविटी जो पिच है वो छोटा रहता है, तो इस मामले में हमारा नोजल आजू बाजू में रखेंगे तो एक दूसरे में मर्ज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बीच में मटेरियल भी कम रहता है तो थर्मल
ट्रांसफर का भी खतरा रहता है, तो इसकी वजह से जहाँ पे स्मॉल कैविटीज और छोटा पिच का अगर कोई बात आएगा तो वहाँ पे हॉट रनर यूज़ करना उतना रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लिमिटेशन वहाँ पे आ जाएगा। तो यूज़ ऑफ हॉट रनर सिस्टम विल मेक मोल्ड साइज इंक्रीज। हालांकि एक मोल्ड का मैनिफोल्ड, उसका उसका प्लेट, एक इंसुलेशन प्लेट, इसका हाइट लगभग 150 टू 180 कम से कम उतना तो बढ़ेगा कोई भी मोल्ड में। हालांकि आपका कैविटी छोटा हो या उसका आपका कोर छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपका अगर हॉट रनर सिस्टम है तो बेसिक्स 150 आपका हॉट रनर सिस्टम का ही हाइट आ जाएगा, तो आपका मोल्ड का साइज बढ़ सकता है। इसकी वजह से छोटा मोल्ड जिस जो कोल्ड रनर का जो रहेगा छोटा मोल्ड, वो अगर हॉट रनर में आप कन्वर्ट कर देंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा। जो मशीन में आप यूज़ करते थे वो मशीन से वो नेक्स्ट मशीन पर जाने का संभव रहता है। ओके, अ कंसिडरेबल एक्सपांशन ऑफ द स्कोप ऑफ मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। वो जो मैं बताया, जो मेंटेनेंस टीम को भी कुछ नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, उसका मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, उसका हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, सरकम कुछ ऐसा मटेरियल्स भी लेके आना पड़ेगा, कुछ वाइट ग्रीस लेके आना पड़ेगा जो वॉल गेट वगैरह में यूज़ करते हैं, वो कुछ बहुत सारा एक्सपेंसिव कुछ ग्रीसेस आता है। ये सब सॉर्ट ऑफ सम लिमिटेशंस है मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी। ये चार्ट जो है ये टेम्परेचर विंडो है जो प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रोसेस कौन सा मटेरियल हॉट रनर के लिए क्या प्रोसेस में यूज़ करना ज़रूरी है करके, और नोजल का टेम्परेचर है, रेंजेस है उसका, और मोल्ड का जो प्री कंडीशन का जो टेम्परेचर रहेगा उसका भी है। ओके, तो ये चार्ट जो प्रोसेस के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ूँगा। मोल्ड में कुछ रिक्वायरमेंट है हॉट रनर को लेके। मोल्ड के अंदर हॉट रनर का जहाँ पे नोजल है उसका सराउंडिंग कूलिंग जोन देना बहुत ज़रूरी है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इससे ये फायदा रहेगा जो नोजल का जो थर्मल ट्रांसफ़र है वो हर जगह पे नहीं रहेगा, उसको यूनिफॉर्मिलिटी मिलेगा थर्मल ट्रांसफ़र में, और नोजल का और खुद हॉट रनर जो एलिमेंट्स है वो ओवर हीट नहीं होगा, जो फंक्शनली फंक्शनल टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर उसको मिलेगा, और ये नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आएगा। जैसा कि पैकिंग करेगा तो गेट फ्रीज का वो सब फंक्शनलिटी फंक्शनल वाइज यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आएगा। इसके लिए अराउंड द नोजल एक कूलिंग जोन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ये फीचर में ही यहाँ पे बताया गया है। कैविटी के लिए नोजल का सराउंडिंग के लिए दो जोन्स और कोर साइड अपोजिट टू योर हॉट रनर यहाँ पे कूलिंग देना बहुत जरूरी है। ओके, इस स्लाइड में कुछ हॉट रनर का मटेरियल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हॉट वर्क स्टील कुछ यूज़ करते हैं, यानी कि 2343 स्टील और हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील, बहुत सारा स्टील से जो मैंने हाईलाइट किया, टंगस्टन कार्बाइड स्टील। तो एक एक एलिमेंट के लिए एक एक मटेरियल का स्पेसिफिकेशन है। सिलिकॉन कार्बाइड है जहाँ पे एब्रेशन रेजिस्टेंस है, और निकल कोटिंग से कुछ जगह पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, निकल प्लेटिंग का, कॉपर अलॉयस को लिया गया है जहाँ पे कुछ थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाना है, तो टाइटेनियम अलॉयस लिया गया है, तो कुछ इंसुलेशन बुशेस के लिए तो सिंट्रेड सिरामिक्स यूज़ किया गया है जहाँ पे इंसुलेशन का ज़रूरत है। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट जहाँ कौन सा एलिमेंट के लिए उसका नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से एक एक अलॉय एक एक एलिमेंट्स को उन्होंने स्पेसिफिकली चूज़ किया है, बहुत सारा मटेरियल्स है। तो आप पॉज करके एक एक पढ़ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा तो वीडियो बहुत आगे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्विकली मैं आगे जाऊँगा। तो हम मेन पार्ट पे आ गया हॉट रनर का कैलकुलेशन पे। तो ये कैलकुलेशन जो है हीटर सिलेक्शन करने के लिए आपको मदद करेगा। अगर आप कोई मैनिफोल्ड आप सेलेक्ट किया है, मैनिफोल्ड का सेलेक्ट यानी आपका साइजेस आपका सेलेक्ट हो गया है, आपका वेट उसका सेलेक्ट हो गया है मैनिफोल्ड का, मगर आपको पता नहीं है आप कौन सा किलोवाट का हीटर उसके अंदर लेने वाले हैं, यानी वो कैटरेज हीटर हो, आप सबमर्सिबल हीटर हो, कोई भी, अगर आपको किलोवाट पता नहीं है तो आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको मदद करेगा फाइंड करने के लिए आपको कौन सा किलोवाट का और कौन सा वैट का आपको हीटर लेना है। तो ये फॉर्मूला ये डोनेट करता है n इक्वल टू m into c into डेल्टा t डिवाइड बाई 60 t इंटू एन। तो इसका रिजल्ट निकलता है वो वैट्स में निकलता है, अगर 1000 वैट्स के ऊपर जाएगा तो उसको बोलते हैं हम किलो वैट्स। ओके, यम इज मास ऑफ मैनिफोल्ड, मास यानी उसका वेट, वेट को बोलते हैं मास, उसको केजेस में लेना पड़ेगा।
C इक्वल टू अ स्पेसिफिक हीट ऑफ मैनिफोल्ड मटेरियल. स्पेसिफिक हीट का मतलब यही है, जो कोई भी मटेरियल एक वन आवर में और वन सर्टन अमाउंट ऑफ केजीज अगर आपको हीट अप करना है तो उसका स्पेसिफिक टाइम में क्या टेम्परेचर है. जैसा कि हम डेंसिटी को वन क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर जो मटेरियल आएगा उसका मास इतना ही होगा करके जैसा डिनोट करके रखा है बुजुर्ग लोगों ने, ऐसा ही उन्होंने स्पेसिफिक हीट उन्होंने डिनोट करके रखा है. अगर वन मिनट के अंदर वन ग्राम ऑफ वाटर को बॉइल करना है तो कितना हीट लगेगा, तो ऐसा उन्होंने डिनोट करके पहले से रखा हुआ है. वो स्टील का आता है 0.48 वाट्स, तो ये स्टील का है. तो केजी पर केजी जूल का केजी केल्विन में अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आता है आपको. तो स्टैंडर्ड है, हम स्टैंडर्ड को डायरेक्टली यूज करेंगे. तो डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी यही है हमारा, दो टेम्परेचर रहेगा. वन एक टेम्परेचर ये रहेगा गर्म करने से पहले और दूसरा टेम्परेचर रहेगा गर्म करने के बाद. हमारे पास दो स्पेसिफिक टेम्परेचर रहेगा, हमको जहाँ कौन सा टेम्परेचर से कौन सा टेम्परेचर को हमको इसको जो सर्टन मटेरियल को लेके जाना है उसको बोलते हैं डेल्टा टी. तो एन है थर्मल कोएफिशिएंट है, इसका स्टैंडर्ड है 0.4 to 0.7. ये मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, थर्मल कोएफिशिएंट अलग उसकी डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा. तो टी है हमारा टाइम, कौन सा टाइम फ्रेम में हमको एक टेम्परेचर से लेके दूसरे टेम्परेचर को सर्टन मास यानी वेट को टेम्परेचर रेज करना यानी उसको गर्म करना, यानी एक बाल्टी बकेट के अंदर जो पानी है उसको मुझे 15 मिनट में नहाने लायक लगभग 40 डिग्री मेरे को टेम्परेचर करना है तो मुझे कितना पावर का कंजम्पशन चलेगा, मतलब कौन सा हीटर मेरे को लेना पड़ेगा. जो दुकान में जाके जो हम हीटर लेते हैं वो वाट्स में रहता है, हम 150 किलोवाट का लेके आते हैं, 1.5 किलोवाट का लेके आते हैं. तो इसी प्रकार की कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन सब जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं. बस आपका मास आपको मिलना चाहिए और आपको स्पेसिफिक हीट कौन सा मटेरियल, आप अगर स्टील हम कर रहे हैं तो स्टील का स्पेसिफिक हीट आपको लेना पड़ेगा, और वाटर कर रहे हैं तो वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको लेना पड़ेगा. ओके, तो कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे. तो एक एग्जांपल मैं लेके आया हूँ आपके लिए. तो मैनिफोल्ड का साइज है मेरा 80 mm × 500 mm × 46 mm. ओके, ये मेरा मैनिफोल्ड का साइज है, ओवरऑल साइज. इसको मुझे 360 मैनिफोल्ड इज डिजाइन टू ऑपरेट एट अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 360 डिग्री सेल्सियस विद द मोल टेम्परेचर इज 100. ओके, तो मुझे 100 से लेके 360 के बीच में जो टेम्परेचर आता है ये मेरा डेल्टा टी बनेगा, यानी T2 - T1 यानी 360 - 100 मेरा डेल्टा टी बन गया 260. ओके, तो मास ऑफ द मैनिफोल्ड, अभी मेरे पास मास निकालने का, मुझे वेट निकालने का है. डायमेंशन रहेगा आपको पता ही होगा, डायमेंशन रहेगा उसके हिसाब से हम जो मटेरियल का आप वेट निकाल सकते हैं. मेरा पास डायमेंशन है 80 × 500 × 46, तो इसका मैंने वैल्यूम निकाल दिया. वैल्यूम निकाल के उसको डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे मास मिलेगा. तो वेट इक्वल टू वैल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मुझे मेरा मास मिल गया 14.4 kgs. ओके, और मेरा टेम्परेचर डिफरेंस जो डेल्टा टी मैंने बताया 360 - 100, तो वो हो गया 260 केल्विन. इज नॉट इन सेंटीग्रेड, सॉरी इट्स इन सेंटीग्रेड, बदल दिया मैंने उसको, वो 260 सेंटीग्रेड है. तो अभी मैं फॉर्मूला में यही डाटा मैंने फिल किया है. मेरा मास है 14.4 kgs, 0.48 मेरा स्पेसिफिक हीट है और 260 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, ये डिवाइड करूंगा मैंने 60, यानी मेरा कांस्टेंट 60 है बराबर, जो मिनट्स के ऊपर है, इंटू टी यानी मेरा जो टाइम मुझे लेना है. तो यूजुअली हमारा प्रोसेस का हीटिंग का टाइम रहेगा अराउंड 20 to 30 मिनट, मैंने मिनिमम लिया हो 20 मारा मिनट्स रहेगा. मैंने सभी डिवाइड करूंगा एक दूसरे से, ऊपर का सब मल्टीप्लिकेशन करूंगा और नीचे का मल्टीप्लिकेशन करके दोनों वैल्यूज को मैं एक दूसरे से डिवाइड करूंगा तो मुझे आएगा 1.5 kilowatts. तो यही मेरा टोटल मास को मुझे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगेगा 20 मिनट्स के. ओके, आई होप आपको हॉट एंड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिला और कैलकुलेशन पार्ट ऑफ बहुत सारा कैलकुलेशन है इसके ऊपर, जैसा कि थर्मल एक्सपांशन हो और आपका वेस्टेज का कैलकुलेशन हो, यानी आपका मोल्ड कोल्डनर से हॉटनर करना है या नहीं है, इसके बहुत सारा कैलकुलेशन है. मगर मुझे लगता है ये वाला जो कैलकुलेशन है आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि आपको इसके ऊपर कम्युनिकेशन करना पड़ता है वेंडर्स के साथ, आपका मोल्ड का
स्पेसिफिकेशन में आपको इसको डालना पड़ता है, इसके लिए मुझे लगा ये जरूरी है। मैं आऊँगा और अच्छा वीडियो इसके साथ, प्लीज़ इसके चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, और ऐसा वीडियो को देखते रहिए। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ।